नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। हमारे लोकतंत्र का आधार जनता के मुद्दे, उनका उत्थान और उनकी आवाज है। लोकतंत्र में कार्यपालिका का काम काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए 90 के दशक में कार्यपालिका के कामकाज में बेहतरी के साथ साथ उस पर नियंत्रण के लिए संसद में विभाग संबंधित स्थायी समितियों का गठन किया गया। इन समितियों ने संसद के कामकाज को काफी व्यवस्थित किया। स्थायी समितियों को आप मिनी पार्लियामेंट या छोटी संसद भी कह सकते हैं। ये स्थायी समितियां संसद से सीधे तौर पर जनता को जोड़ती हैं, साथ ही संसद की कार्यवाही को और सरल और सुशासित करती हैं। ये समितियां विधेयक की बारीकी से जांच कर एक निश्चित समय में उसकी कमियों को दूर कर कारगर बनाने की बड़ी भूमिका अदा करती हैं। इसके लिए स्थायी समितियां जनता से लेकर विशेषज्ञों तक की राय लेती हैं। ये एक तरीके से नजर रखती हैं कि संसदीय कामकाज में किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ ना हो सके और खर्च भी संयमित हो सके। हम कह सकते हैं कि इन समितियों के जरिए संसद प्रशासन पर अपने नियंत्रण और प्रभाव का प्रयोग करता है। अभी हाल ही में संसद भवन की नई स्थायी समितियों का गठन किया गया है, जिसके तहत तमाम महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सांसदों को सौंपी गई हैं। आज विशेष में हम जानेंगे संसद की विभाग की संबंधी स्थायी समितियों को, उनके गठन की प्रक्रिया और महत्व को, साथ ही साथ जानेंगे वित्तीय समिति के साथ ही अन्य स्थायी और तदर्थ समितियों को। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। संसद की विभाग संबंधी स्थायी समितियों को का गठन हो गया है। लोकसभा सचिवालय ने 13 सितंबर को इन सभी 24 समितियों को नोटिफाई कर दिया। इनमें बीजेपी के सांसदों को 24 में से 13 समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। वित्त संबंधी समिति की कमान जयंत सिन्हा और विदेश मामलों की स्थायी समिति की कमान पूर्व कानून मंत्री रहे पीपी चौधरी को मिली है। पिछली लोकसभा में इनकी अध्यक्षता कांग्रेस सांसदों के पास थी। वित्त और विदेश मामलों की संसद की स्थायी समिति की अध्यक्षता अब बीजेपी के पास है। सरकार की अनुशंसा के बाद लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी सूचना के मुताबिक बीजेपी सांसद जयंत सिन्हा और पीपी चौधरी इन समितियों की अध्यक्षता करेंगे। पिछली लोकसभा में ये जिम्मेदारी कांग्रेस सांसद वीरप्पा मोइली और शशि थरूर के पास थी। संसद की कुल 24 स्थायी समितियों में से 13 की अध्यक्षता बीजेपी को मिली है, जबकि 3 की अध्यक्षता कांग्रेस के सांसद करेंगे। कांग्रेस के आनंद शर्मा को गृह मामलों की समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। पहले इसके अध्यक्ष पी चिदम्बरम थे। चिदम्बरम अब विदेश मंत्रालय की विभाग संबंधी स्थायी समिति के सदस्य बनाए गए हैं। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जयराम रमेश पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से जुड़ी स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं। शशि थरूर सूचना तकनीक संबंधी समिति के चेयरमैन हैं। साथ ही स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के अध्यक्ष राम गोपाल यादव ही हैं, जबकि मानव संसाधन संबंधी स्थायी समिति के अध्यक्ष सत्यनारायण जटिया को भी बरकरार रखा गया है। बीजेपी के सहयोगी दल जेडीयू के नेता ललन सिंह को ऊर्जा मंत्रालय और शिवसेना सांसद प्रताप जाधव को ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित स्थायी समिति की कमान सौंपी गई है। बीजू जनता दल के लोकसभा सांसद भृतहरि महताब श्रम संबंधी स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं, तो डीएमके की लोकसभा सांसद कनी मोझी को रसायन और उर्वरक मंत्रालय संबंधी समिति की अध्यक्षता दी गई है। 24 में से 16 समितियां लोकसभा की और 8 राज्यसभा की होती हैं। इन स्थायी समितियों को मिनी संसद भी कहा जाता है, जो संसद में पेश किए गए बिलों पर गहन चर्चा करती हैं और अपने मंत्रालयों से जुड़े अहम मुद्दों के साथ बजट आवंटन पर भी कमेटी विचार विमर्श करती है। इन समितियों का गठन 1 साल के लिए होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। लोकतंत्र निर्वाचित संस्थाओं के संचालन के साथ ही विधिमान्य बनाता है। संसद अनेक प्रकार के महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करते हुए भारत के लोकतंत्र में अपनी केंद्रीय भूमिका का निर्वाह करता है। हालांकि कई प्रकार की जटिल और महत्वपूर्ण कामों को निपटाने के लिए संसद के पास समय का अभाव रहता है, इसलिए संसद उन सभी विधायी और अन्य मामलों पर गहराई के साथ विचार नहीं कर सकता जो उसके समक्ष आते हैं। इसके लिए संसद द्वारा विभागीय
स्थायी समितियों का गठन किया जाता है जो संबंधित कार्यों पर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर गहराई और सावधानी से विचार कर सकती है। आइए जानते हैं क्या होती है विभाग संबंधी स्थायी समिति और उसका महत्व। संसदीय प्रणाली में स्थायी समितियों की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये संसद कार्यपालिका और आम जनता के बीच मजबूत कड़ी का काम करती हैं। दरअसल समितियों की आवश्यकता दो कारणों से होती है। पहला, कार्यपालिका की कार्यवाहियों पर विधायिका की ओर से निगरानी की जरूरत, और दूसरा, विधायिका के पास काम की अधिकता के चलते उसे निपटाने के लिए सीमित समय का होना। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए संसद द्वारा विभागीय स्थायी समितियों का गठन किया जाता है। विभाग संबंधी स्थायी समितियों के गठन के उद्देश्य पर बात करें तो सबसे पहले उद्देश्य तो यही है कि संसद इनकी मदद से अपना काम बेहतर ढंग से चला पाती है, क्योंकि समिति किसी भी मामले की पूरी गहराई से जांच करती है। इसके अलावा ये समितियां विशेषज्ञों की राय लेती हैं। इसका सीधा असर नीति या विधान पर पड़ता है। विभागीय स्थायी समितियां जनता से भी राय लेती हैं। ये समितियां बिना किसी दबाव के मुद्दों पर चर्चा करती हैं और आम सहमति से उनका निदान करती हैं। इसके साथ ही दल बदल विरोधी कानून इन समितियों पर लागू नहीं होता, और यही वजह है कि समितियों के निर्णय आमतौर पर दलीय आधार पर नहीं लिए जाते। ये समितियां अपना ध्यान खास मुद्दों पर ही केंद्रित रखती हैं और इसके लिए विशेषज्ञों की मदद भी लेती हैं, ताकि उन मुद्दों पर समग्र रूप से गहराई से जांच की जा सके। जहाँ तक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज का सवाल है, वो हमारे पास इस समय जो हैं करीब 24 कमेटीज़ जो हैं उनका गठन किया गया है, और इनको विभिन्न मंत्रालय या विभिन्न विभाग एलोकेटेड किए जाते हैं। और इन स्टैंडिंग कमिटीज़ का काम जो है वो ये कि उस विभाग से रिलेटेड जब बजट प्रावधान लाए जाते हैं या बजट के ऊपर डिबेट होती है या उससे रिलेटेड जितने बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं उनकी स्क्रूटनी इन पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा की जाती है। विभागीय स्थायी समितियों का गठन साल 1993 में किया गया। इससे पहले विधेयकों की जांच की कोई व्यवस्थित प्रक्रिया नहीं थी, और महत्वपूर्ण विधेयकों के लिए प्रवर समितियों का गठन समय समय पर किया जाता था। अपने गठन के बाद 13वीं लोकसभा तक विभागीय स्थायी समितियों में 45 सदस्य होते थे, जिनमें 30 सदस्य लोकसभा अध्यक्ष द्वारा लोकसभा से और 15 सदस्य राज्यसभा के सभापति द्वारा राज्यसभा से मनोनीत किए जाते थे। लेकिन जुलाई 2004 में इन समितियों के पुनर्गठन के बाद इसके सदस्यों की संख्या घटाकर 31 कर दी गई। इसके बाद से 21 सदस्य लोकसभा से और 10 सदस्य राज्यसभा से चुने जाते हैं। इन समितियों का कार्यकाल एक साल का होता है। वर्तमान में विभागों से संबंधित स्थायी समितियों की संख्या 24 है, जिनमें से 8 समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यसभा के सभापति द्वारा की जाती है और बाकी 16 समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। अभी 2004 के बाद उनका दोबारा से गठन किया गया, जिसमें 21 सदस्य जो हैं वो लोकसभा से होते हैं और 10 सदस्य जो हैं वो राज्यसभा से होते हैं। ये अब जो बिल पार्लियामेंट के सामने लाए जाते हैं उन बिलों के ऊपर प्रावधान जो होते हैं उसको एग्जामिन करती है, उसके ऊपर पब्लिक से कमेंट्स मांगती है, उनके ऊपर विशेष जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, एनजीओज हैं या दूसरी एक्सपर्ट बॉडीज उसके ऊपर काम करते हैं उनको बुलाकर उनके विचार लेती है और अपनी रिपोर्ट जो है वो सदन को प्रस्तुत करती है, और उस रिपोर्ट के बेसिस पर पार्लियामेंट जो है फाइनली बिल को डिस्कस करके पास करती है। इनकी जो मेंबरशिप है उसके लिए फार्मूला ये है, और ये फार्मूला जो है वो इसी के बेसिस पे डिसाइड हुआ है कि स्ट्रेंथ क्या है, कितने एमपीज हैं लोकसभा के और कितने एमपीज हैं राज्यसभा के। तो अगर मोटा मोटी देखा जाए तो 2:1 बनता है कि 2 अगर 245 उधर हैं तो 543 उधर हैं, तो करीब 2:1 फार्मूला बनता है। विभागों के संबंध में 24 स्थायी समितियों के क्षेत्राधिकार में भारत सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग आते हैं। इनके कामों में
अनुदान की मांगों पर विचार करना, ऐसे विधेयकों की जांच करना जो राज्यसभा के सभापति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा सौंपे गए हों, वार्षिक प्रतिवेदनों पर विचार करना और सभा में प्रस्तुत राष्ट्रीय आधारभूत दीर्घावधि नीति संबंधी दस्तावेज जो राज्यसभा के सभापति या लोकसभा अध्यक्ष द्वारा समिति को सौंपे गए हों, उन पर विचार करना शामिल है। विभागीय स्थायी समितियां संबंधित मंत्रालयों या विभागों के दिन प्रतिदिन के प्रशासन के मामलों पर विचार नहीं करती। दरअसल इनके कार्य का मुख्य केंद्र कार्यपालिका के क्रियाकलापों की दिशा तय करने वाली योजनाएं और नीतियां बनाना है। भारत के संसदीय इतिहास में विभागीय स्थायी समिति प्रणाली का प्रयोग काफी कामयाब रहा है। इन समितियों ने कानून बनाने और जवाबदेही के लिए संसदीय कार्यों को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अब हम जानते हैं संसद की वित्तीय समितियों के बारे में। दरअसल तीन तरह की वित्तीय समितियां हैं, प्राकलन समिति यानी एस्टिमेट कमेटी, लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति। हमारे संसदीय लोकतंत्र में कुछ वित्तीय समितियां बनाई जाती हैं। ये वित्तीय कार्यपालिका से जुड़े वित्तीय मुद्दों की समीक्षा करती हैं, यानी सरकारी वित्तीय व्यवस्था पर संसदीय नियंत्रण का काम करती हैं। ये समितियां सरकार को दिए अपने सुझाव के आधार पर एक कार्यवाही रिपोर्ट भी तैयार करती है और उसे संसद में पेश करती है। वित्तीय समितियां तीन तरह की होती हैं, प्राकलन समिति यानी एस्टिमेट कमेटी, लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति यानी कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। वित्त संबंधी जो है वो मेनली तीन कमेटियां हैं। एक तो जैसा मैंने बताया कि एस्टिमेट कमेटी है जिसमें 30 सदस्य होते हैं, जिसका निर्वाचन जो है वो लोकसभा के जो स्पीकर हैं वो करते हैं। उसके अलावा दो समितियां और हैं, एक है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और एक है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। मैं समझता हूँ ये तीनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में करती हैं। सबसे पहले बात प्राकलन समिति की। प्राकलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, ये सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं। यह समिति का कार्यकाल एक साल का होता है। इसमें राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है। समिति के सदस्यों का चुनाव प्रत्येक वर्ष अनुपातित प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से किया जाता है। ये समिति सरकारी खर्च में कैसे कमी लाई जाए, संगठन में कैसे कुशलता लाई जाए और प्रशासन में कैसे सुधार किए जाए, इन सब मुद्दों पर रिपोर्ट देती है। प्रशासन में कार्य कुशलता और खर्च में कमी लाने के लिए वैकल्पिक नीतियों का सुझाव देती है। समिति प्राकलनों यानी सरकारी खर्च के अनुमान में मौजूद नीति के तहत राशि ठीक ढंग से लगाई गई है या नहीं, इसकी जांच करती है। प्राकलन किस रूप में संसद में प्रस्तुत किए जाएंगे, इसका सुझाव भी देती है। लोकसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट पेश होने के बाद ये समिति प्राकलनों यानी खर्च अनुमानों की पड़ताल करती है। प्राकलन समिति की रिपोर्ट पर सदन में बहस नहीं होती है, लेकिन ये समिति पूरे साल अपना काम करती है और अपना दृष्टिकोण सदन के सामने रखती है। प्राकलन समिति की वजह से अगले वर्ष में सरकार की ओर से बहुत अधिक धनराशि की मांग करने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने में मदद मिलती है। एस्टिमेट कमेटी जो है, जो मेजर पॉलिसी डिसीजन, इकोनॉमिक पॉलिसी डिसीजंस होते हैं, उसके ऊपर विचार करती है और अपना विचार करके पार्लियामेंट के सामने उसके जो है अपने कमेंट्स रखती है। अब बात करते हैं लोक लेखा समिति की। इस समिति में 22 सदस्य होते हैं, इनमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। इस समिति का कार्यकाल भी एक साल का होता है। 1967 से परंपरा के मुताबिक इस समिति के अध्यक्ष के रूप में विपक्ष के किसी सदस्य को नियुक्त किया जाता है। लोक लेखा समिति भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी सीएजी की रिपोर्ट की जांच करती है। जब सीएजी की रिपोर्ट संसद में पेश हो जाती है तो लोक लेखा समिति उसकी पड़ताल करती है। ये लोकसभा की समिति है, लेकिन दोनों सदनों की सहमति के आधार पर राज्यसभा के सदस्य इस समिति के सह सदस्य होते हैं। राज्यसभा के इन सदस्यों को मत देने का अधिकार नहीं होता है, लेकिन समिति में उनके होने से इसे मजबूती मिलती है। जब ये समिति सरकारी खर्च और सीएजी की रिपोर्ट की पड़ताल करती है तो उसे कुछ बातों का ख्याल रखना होता है। समिति ये देखती है कि जिन मदों में धन का आवंटन हुआ है वो नियमों के तहत सही है या नहीं, खर्च उस प्राधिकार के अनुरूप है या नहीं,
जिससे वो शासित होता है। समिति इस बात पर भी गौर करती है संसद की ओर से मंजूर की गई धनराशि का अतिरिक्त व्यय किया गया हो तो समिति उन परिस्थितियों की जांच करती है जिसके कारण अतिरिक्त व्यय करना पड़ा। हम कह सकते हैं कि लोक लेखा समिति का मुख्य काम सरकारी खर्चों के खातों की जांच करना है और इस जांच का आधार हमेशा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी CAG की रिपोर्ट ही होती है। जो एप्रोप्रिएशन किया जाता है बजट प्रावधानों का उसको लेकर के और जो CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की जो रिपोर्ट आती है उसके ऊपर विचार करके जो ब्यूरोक्रेसी है और उसके जो काम करने का तरीका है उसके ऊपर क्वेश्चन कर सकती है और ये इंश्योर करती है कि जिस हिसाब से पार्लियामेंट ने बजट के प्रावधानों में प्रावधान किए गए थे उसके हिसाब से खर्चे किए गए हैं कि नहीं किए गए हैं। अगर नहीं किया गया है तो उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना भी PAC का काम होता है। अब बात सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति की। इस समिति में भी 22 सदस्य होते हैं, इनमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। यह समिति का कार्यकाल भी 1 साल का होता है। समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष की ओर से नामजद किया जाता है। यह समिति सरकारी उपक्रमों यानी सरकारी कंपनियों के प्रतिवेदनों और लेखकों की पड़ताल करती है। अगर CAG ने ऐसी कंपनियों के बारे में कोई रिपोर्ट दी है तो उसकी भी पड़ताल ये समिति करती है। सरकारी कंपनियों की स्वायत्तता और कार्यकुशलता सिलसिले में भी सुझाव देती है। समिति इस बात की पड़ताल करती है कि क्या सरकारी उपक्रमों का संचालन नियमों के अनुरूप हो रहा है या नहीं। इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष जो भी काम सौंपते हैं उसे भी समिति पूरा करती है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के लिए एक सेपरेट कमेटी है और ये दोनों विषय जो एस्टिमेट कमेटी और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी करती है। PUC पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से रिलेटेड जो विषय होते हैं उसका सारा कार्य जो है ये PSUC जो कमेटी एक स्पेशल बनाई गई है ये उसके विचाराधीन होता है और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स अपना जो कार्य है वो लेड डाउन नॉर्म्स के हिसाब से कर रही है, इसके ऊपर अपना विचार करती है और उसके ऊपर अपनी रिपोर्ट भी सबमिट करती है और अगर किसी तरह से पार्लियामेंट्री प्रोसीजर का कहीं पर अनुपालन नहीं हुआ है तो उसके लिए निर्देश भी देती है। लोकतंत्र में संसदीय नियंत्रण और सत्तारूढ़ सरकार का अपने प्रशासन और नीतियों के लिए उत्तरदायी होना बेहद जरूरी है। संसदीय नियंत्रण के लिए संसदीय समितियों की व्यवस्था की गई है और सरकारी खर्च पर नियंत्रण के लिहाज से इन वित्तीय समितियों की बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा TV। संसद के कामकाजों में विविधता है, इसके साथ ही संसद के कामकाज में अधिकता भी रहती है। चूंकि उसके पास समय बहुत सीमित होता है इसलिए उसके समक्ष प्रस्तुत सभी विधायी या अन्य मामलों पर गहन विचार नहीं हो सकता है, इसलिए संसद का बहुत सा काम समितियों के जरिए किया जाता है। संसद के संसदीय समितियों के क्रम में कुछ स्थायी और तदर्थ समितियां यानी एडहॉक समितियों का भी गठन किया जाता है जो स्थायी नहीं होती हैं और अपने काम को पूरा करने के बाद इनका विघटन हो जाता है। आइए जानते हैं कुछ और अन्य स्थायी समितियों और तदर्थ समितियों के बारे में। संसद के संचालन की प्रक्रिया काफी जटिल है। संसद के रोजमर्रा का काम काज सुचारू रूप से चले और उनमें कोई बाधा उत्पन्न ना हो, संसदीय कामकाज की निगरानी बनी रहे, इसी उद्देश्य से संसद के दोनों सदनों में विभागीय संबंधी स्थायी समितियों के अलावा कुछ अन्य स्थायी समितियां भी बनाई जाती हैं। इनमें कुछ समितियां ऐसी होती हैं जिसमें सिर्फ लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य होते हैं, लेकिन कुछ समितियों में दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। संसद की अन्य स्थायी समितियों में सबसे महत्वपूर्ण कार्य मंत्रणा समिति है। इसके सदस्यों की संख्या 15 होती है। इसका कार्यकाल नियत नहीं होता और पुनर्गठन होने तक ये समिति बनी रहती है। ये समिति लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा चुनी जाती है। इसके अलावा विशेषाधिकार समिति, सभा की बैठकों में सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति, महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति जिसके 30 सदस्य होते हैं जिनमें 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा के सदस्य होते हैं और इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। इसके अलावा सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति,
याचिका समिति, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति, अधीनस्थ विधान, सामान्य प्रयोजन और आवास समिति, इसके अलावा लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति, संसद सदस्यों के वेतन और भत्तों संबंधी संयुक्त समिति, ग्रंथालय समिति, नियम समिति, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समितियां हैं। संसद की इन स्थायी समितियों का काम संसद के रोजमर्रा के कामकाज के सुचारू संचालन और उन पर निगरानी रखना है। इनमें से कुछ स्थायी समितियों का कार्यकाल नियत होता है, जबकि कुछ स्थायी समितियां ऐसी भी होती हैं जिनका दोबारा गठन होता है। बाकी जो स्थायी समितियां हैं वो हाउस के डिसीजन, हाउस का जो भी कार्य है उसके विषय में है, उसके विषय में वो देखती रहती हैं। उनके भी मेंबर्स चेंज होते रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो लोकसभा की अलग समितियां हैं, राज्यसभा की अलग समितियां हैं। जैसे कि एक बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है, लोकसभा की अलग है, राज्यसभा की अलग है। इसी तरह तमाम अलग समितियां हैं, लेकिन वो अलग अलग हैं, वो भी स्थाई हैं, लेकिन वो लोकसभा राज्यसभा की अलग अलग समितियाँ हैं। तदर्थ समितियों का गठन समय समय पर किसी विशेष विषयों की जांच पड़ताल करने के लिए किया जाता है। ये समितियां किसी विशेष प्रस्ताव के जरिए अस्तित्व में आती हैं और इन्हें सौंपे गए विषयों के बारे में सभा को सूचना देने के तुरंत बाद ये समितियां समाप्त हो जाती हैं। यानी ये वो समितियां होती हैं जो समय समय पर किसी कार्य या उद्देश्य को पूरा करने और उस पर अपनी राय देने के लिए गठित की जाती हैं। ये समितियां स्थायी नहीं होती हैं। तदर्थ समितियों का गठन सभा द्वारा कई बार कुछ विशेष विषयों के अध्ययन के लिए भी किया जाता है, जैसे कि 1962 में राज्यसभा ने प्रक्रिया संबंधी नियमों पर विचार करने के लिए एक तदर्थ समिति का गठन किया था। 1976 में भी सभा के एक आसीन सदस्य के आचरण की जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था और 1983 में निरंकारियों और अकालियों के बीच मेल मिलाप कराने के लिए एक और समिति का गठन किया गया था और उसके बाद एक बार फिर 9 अगस्त 1995 को रेल वैगन से संबंधित सभी पहलुओं की जांच करने के लिए एक 15 सदस्यीय रेल वैगन समिति गठित की गई थी। बाकी स्टैंडिंग कमेटी में भी, जैसे मान लीजिए एक बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कमेटी मानी जाती है जिसमें 15 सदस्य होते हैं और इस कमेटी का काम होता है कि दोनों हाउसेज में कौन कौन सा बिजनेस कब होगा, उस किस बिल के लिए उसको कितना समय दिया जाएगा, इस पर विचार करती है और जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी सुझाव अपना देती है उसको लेकर के सदन की कार्रवाई की जाती है। इसी तरह और भी बहुत सारी कमेटी हैं, जैसे कमेटी ऑन प्रिविलेजेस। मान लीजिए अगर किसी प्रिविलेज का, जो सदस्य की प्रिविलेज है, उसका कोई उल्लंघन होता है तो उसके ऊपर अगर सदस्य के ऊपर कार्रवाई की जाती है तो वो कार्रवाई लेने का अधिकार भी इस कमेटी को होता है, ये कमेटी को रेफर किया जाता है। कमेटी ऑन प्रिविलेजेस अपनी रिपोर्ट देती है और उनकी रिपोर्ट को कंसिडर करने के बाद में जो हाउस है वो उसके ऊपर अपना डिसीजन देता है। दोनों सभाओं की कुछ और समितियां भी हैं जिनका गठन विधि के उपबंधों के अधीन किया जाता है, जैसे संसद के दोनों सभाओं की संयुक्त समिति जिसका गठन संसद सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन अधिनियम 1954 की धारा 9(1) के अधीन किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो आज के विशेष में इतना ही। उम्मीद है आपको विशेष का ये अंक पसंद आया होगा। आप ये हमारा कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं, जहां में आपकी प्रतिक्रियाओं और सुझावों का हमेशा इंतजार रहता है। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए राज्यसभा टेलीविजन के साथ। नमस्कार।